पिछले बरस तुम्हारी सुलू हिट होने के बाद ब्रेक लेने वाली विद्या बालन ने अगली फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू कर दी है। वे तेलुगु सुपरस्टार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नटियार की बायोपिक में दिखाई देंगी। बॉलीवुड ही नहीं, साउथ में भी 2019 में राजनीतिक बायोपिक फिल्मों से फायदे लेने की कोशिशें हैं। अभिनेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनत्ती रामाराव की बायोपिक को इस साल उपराष्ट्रपति इन वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था। बॉलीवुड में गब्बर इज बैक बनाने वाले कृषि से डायरेक्ट कर रहे हैं। शूटिंग शुरू हो चुकी है। एनटीआर के बेटे बालकृष्ण फिल्म में पिता की भूमिका निभाएंगे। विद्या बालन एनटीआर की पत्नी बनी है। बायोपिक बनाना आसान नहीं है क्योंकि राजनीतिक विरोध की इसमें जबरदस्त आशंका होती है। एनटीआर के बेटे बालकृष्ण फिल्म में एनटीआर की भूमिका में है। विद्या एनटीआर की पत्नी बनी है। ये उनकी पहली तेलुगु फिल्म है। बताया जाता है कि हैदराबाद के उस बंगले में विद्या और बालकृष्ण शूटिंग कर रहे हैं जहां एनटीआर फिल्मों से राजनीति में जाने के दौर में रहा करते थे। ये उनके जीवन के बड़े फैसले का काल था जहां पत्नी की भूमिका थी। फिल्म में राणा दिगुबाती एनटीआर के दामाद और आंध्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के रोल में हैं। दिगुबाती ने हाल ही में इस बात की सूचना दी थी कि वे इस फिल्म में आंध्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के रोल में हैं। राणा दिगुबाती ने इस बात को शेयर करते हुए एक फोटो पोस्ट किया है जिस पर उन्होंने कैप्शन दिया है, आपको एक अविश्वसनीय इंसान नत्ती राम राव की कहानी बताने आ रहा हूं। फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो ये फिल्म सिर्फ 50 करोड़ रुपए में बनेगी। नंदमुरी बालकृष्ण की अब तक की तेलुगु फिल्मों में से सबसे महंगी फिल्म होगी। मेकर से इस फिल्म को 2019 के संक्रांति तक रिलीज करने के बारे में बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवितेजा इस बायोपिक फिल्म का हिस्सा थे लेकिन रचनात्मक असहमतियों के चलते उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद राघवेंद्र राव को इस काम के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने भी निर्देशन की जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया। इसके बाद नंदमुरी ने खुद इस फिल्म का निर्देशन करने का फैसला किया। जेड न्यूज की रिपोर्ट।